नमस्कार दर्शकों, रोड निर्माण में अधिकतर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और पैसे खा लिए जाते हैं। ये वीडियो फरीदाबाद 89 विधानसभा वार्ड नंबर 13 इंदिरा नगर का है। यामा कंपनी के सामने सीमेंटेड रोड बन रहा है, लेकिन सिर्फ दो दिनों में रोड में क्रैक आ गई है। एक स्थानीय निवासी ने हमें ये वीडियो भेजी है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। देखिए वीडियो। यह अभी दो दिन पहले बना हुआ रोड है, जिसमें कि आधे में पूरे में क्रैकिंग आ चुकी है, आधे हिस्से में टोटल क्रैकिंग आ चुकी है। ये वीडियो आप देखेंगे, 100 फुट से भी ज़्यादा रोड पर क्रैक आ गया है सिर्फ दो दिनों में। आपको बता दें, सीमेंटेड रोड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि 5 से 10 साल फिर से रोड ना बनाना पड़े, लेकिन नेता और ठेकेदार मिलकर घटिया सामग्री लगाते हैं और काफ़ी पैसा खुद ही हजम कर जाते हैं। लेकिन अगर लोग जागरूक रहें और रोड निर्माण पर नज़र रखें तो ये भ्रष्टाचार रुक सकता है। जहाँ भी रोड बने, आप उस पर नज़र रखें कि कैसे मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉपर मात्रा में सीमेंट लग रहा है या नहीं। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, ये भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा। बार बार रोड बनेंगे, बार बार रोड टूटेंगे, बार बार जनता का पैसा खर्च होगा और इसका बोझ जनता पर ही पड़ता है। कई लोग सोचते होंगे ये तो सरकारी पैसा है, जबकि ये गलत है। ये जनता का ही पैसा होता है। सरकार तो टैक्स बढ़ाकर जनता से पैसे कमा लेती है और वही पैसे इन विकास कार्यों में लगते हैं, लेकिन अगर घटिया काम होगा तो जनता का ही पैसा वेस्ट होगा और इसका बोझ जनता पर ही पड़ेगा। तो जिस तरह से इस युवा ने जागरूकता दिखाई है, उसी तरह से ज़िले के सभी लोग सावधान रहें और घटिया रोड निर्माण पर नज़र रखें। धन्यवाद।